फरहान रमशा से निकाह करा है। अन्नू को पता चला वो तो जीते जी मर जाएंगी। बता दिया मैंने अन्नू को। इसे मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फूट फूट कर रही होगी। मुझे लगता था मैं अपनी नाराजगी अन्नू से कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज जब मुझे फरहान के बारे में ये पता चला तो अन्नू के लिए मेरे दिल से सारी नाराजगी खत्म हो गई। सिर्फ परेशानी बची। और एक एहसास कि उसके लिए कुछ कर सको, उसकी खुशियों के लिए कुछ कर सको। अगर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, कितना मजबूर हो जाता है ना इंसान। जब वो अपनों के लिए कुछ करना चाहे और ना कर सके, कितनी कितनी बेबसी होती। अन्नू फरहान भाई के लिए बहुत जज्बाती हैं। लिए फरहान भाई की बेवफाई सहना कुछ कम मुश्किल नहीं होगा। सद जानता मैं खुद भी अन्नू के उस घर में रहने के हक में नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ यहां पे आने के लिए मानी नहीं। अम्मी को बताया तुमने? मेरा दिल नहीं है उनसे बात करने का। तुम उन्हें बता देना प्लीज, और ये भी कह देना कि अगर हो सके तो जाकर अन्नू को यहां ले। असद से रिश्तों से वो नहीं उड़ा जाता। जो रिश्ते दिल तोड़ दें उनसे मुंह मोड़ लेना ही बेहतर है।